आज 13 दिसंबर है, यानी संसद पर हुए आतंकी हमले की 22वीं बरसी। आप में से कई लोगों को ये बात याद भी नहीं होगी, लेकिन आज संसद भवन में वो हो गया जिसने 22 वर्ष पहले संसद पर हमले की याद दिला दी। दोपहर का करीब 1:15 बज रहा था, लोकसभा में शून्यकाल चल रहा था। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद स्वगेन मुर्मू भाषण दे रहे थे, तभी अचानक विजिटर गैलरी से किसी के कूदने की आवाज आई। सांसदों को लगा कि शायद कोई गैलरी से गिर गया, लेकिन तभी एक युवक एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूदने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो स्पीकर के पास पहुंचना चाह रहा था। सांसदों में कैसी अफरा तफरी मची थी ये आप देख ही रहे हैं। अब आप संसद भवन में घुसपैठ का ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए। राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए भी है। गिर गया? अभी आपने वो फुटेज देखी जो संसद टीवी पर लाइव चली। आगे का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में कई सांसद संसद में घुसे युवक को पीटते हुए दिख रहे हैं। इस युवक को सबसे पहले बीएसपी सांसद मलूक नागर ने दबोचा। इसके बाद कई और सांसदों ने युवक को घेर लिया और लात घूसों और चांटे मारने लगे। इस वीडियो में ध्यान देने वाली बात यह है कि संसद में घुसा युवक को सांसदों ने पकड़ा, लेकिन वीडियो में कहीं भी मार्शल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनके जिम्मे सदन और सांसदों की सुरक्षा होती है। जो वीडियो सामने आए हैं उनमें संसद भवन में घुसपैठ की पूरी पिक्चर नहीं है, क्योंकि लोकसभा के अंदर एक नहीं बल्कि दो युवकों ने घुसपैठ की थी। इन दोनों युवकों ने अपने जूतों में से स्मोक क्रैकर निकालकर फोड़े, जिससे पूरे सदन में धुआं फैल गया। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जब संसद में पीला धुआं फैला हुआ था तो सांसदों के बीच घबराहट फैली हुई थी। हालांकि इस दौरान सदन में मौजूद रहे राहुल गांधी को भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं दिख रहे और जेब में हाथ डालकर आराम से खड़े हैं। राहुल गांधी के आव भाव से भले ही ना लग रहा हो कि संसद भवन में आज जो हुआ वो कितनी गंभीर बात है, लेकिन इस घटना के चश्मदीद सांसदों ने बाहर निकलकर जो बताया वो डरा देने वाला है। जहाँ पे हम लोगों की सीट है तो उसके पीछे पर जो दर्शक दीर्घा वहाँ पूरा भरा हुआ था, खचाखच वो बैठे हुए थे, तो वहाँ से एकदम दुड़ुम देसी आवाज आई, तो हमें लगा शायद ऊपर से कोई गिर गया, ये किसी ने धकेल दिया, पर ध्यान गया एकदम, जैसे देख रहे थे क्या हुआ, ऊपर से एक और कूदा, तो बिल्कुल साफ पता लग गया कि इनकी इंटेंशन खराब है और कुछ गड़बड़ हो चुकी है एकदम। तो जो निकलने की जगह भागने की जगह होती है वहां कर भी नहीं भागे, इसका मतलब है कि उनको पूरा प्रशिक्षण भी पहले शायद किया गया है, और वो एक सीट पर जंप, दूसरी सीट पर जंप, तीसरी सीट पर जब जंप कर रहा था तो सिक्योरिटी वाले एक लेडी थी, शायद उसको ऊपर गिराया, उसको धक्का दिया, तो बेहोश होकर रो रही थी, और हम लोगों ने 6-7 एमपी ने भाग करके उसे पकड़ने के जैसे नजदीक पहुंचे तो उसने जूता निकाला, हमने बताया जूता फेंक करके साथ मारा गया, इसमें कुछ निकाल रहा, पर जैसे ही जूता निकाला फिर भी पकड़ लिया और पकड़ के उसकी पिटाई शुरू करी। उधर हम उसे पकड़ रहे थे और उधर उस जो उसने जूते में शायद कोई चीज निकाली और को खोली, उसमें इतना बुरा धुआं धुआं ऐसी गैस पूरे में फैली कि जो बिल्कुल एकदम उसको झेला नहीं जा सकता। डर गए थे आप लोग एक समय के लिए? डर नहीं गए थे, उस समय तो लग रहा था मौत सामने खड़ी है, और ये पिछले 13 दिसंबर की तरह कुछ आज घटना घट गई। पब्लिक गैलरी से जो है लोग कूदे और एकदम से धुआं जो है वो अफरा तफरी मच गई, बाहर आए, खैर हम उन लोगों को पार्लियामेंटेरियंस ने ही पकड़ लिया और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने पकड़ लिया। धुआं भी निकला, बहुत तेज धुआं निकला, अफरा तफरी मच गई। नारेबाजी कर रहे थे वो लोग? हाँ, वो कुछ समझ नहीं आया कह क्या रहे थे, बट वो कुछ नारेबाजी कर रहे थे। जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, 0 आवर का लास्ट टाइम था, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था, तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था, वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज थी,
तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया, बैनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचे उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मैंने, मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे, जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको सीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है। तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था तो फिर उतने देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब इनके सिक्योरिटी के दायरे में है। Z News.